अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 142। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक कंप्लीट बाइसाइकिल टायर एंड असेंबल द अदर पार्ट्स ऑफ टायर विद हेल्प ऑफ स्वीप एंड 3D रोटेट कमांड। आज के इस लेसन में हम एक कंप्लीट टायर डिजाइन करेंगे और उसमें आज हम जो पहले हमने इक्विपमेंट ड्रॉ किए थे, बनाए थे, उनको इस टायर के साथ असेंबल करेंगे और उसके अलावा इसमें स्वीप कमांड, 3D रोटेट कमांड कैसे यूज होती हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। आज के लेसन में हमें कंप्लीट इस तरह का टायर डिजाइन करना है। देखें, कंप्लीट टायर है। यहाँ पे ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस बटन पे। ओके, अब यहाँ पे जो मेरे पास टायर बना हुआ है, आप देखें, ये तो हमने प्रीवियस लेसन में हमने कंप्लीट बना लिया था। ये दोनों चीज़ हमने बनाई थी, ये भी बनाया था हमने और ये भी बनाया था। ये दोनों चीज़ें बनाई थी, इसमें मटेरियल भी हमने अप्लाई किया था। आज के लेसन में हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, इसके लिए मैं के मैंने रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है 27.5 एंड 7.8 ताकि मुझे याद रहे। और अब मैंने जो काम करना है वो ये करना है कि मैं यहाँ से इस व्यू में लेके आता हूँ। देख तो ये क्या, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, आज के इस लेसन में हमने यहाँ पे आए और इसके बाद हमने यहाँ पे काम करना है कि इसको रोटेट करना है, रोटेट 3D में करना है। और रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 3D रोटेट पे क्लिक करोगे, पूरे के पूरे टायर को सिलेक्ट करोगे स्पेस और इसको यहाँ से ग्रीन जो है हमारे पास ग्रीन पे क्लिक करो और इसको 90 में रोटेट कर लो, 90। ओके ओके जी, यहाँ पे ये रोटेट हो गया। अब इस पर आपने क्या करना है, काम जो करना है वो क्या करना है जी, वो काम आप करोगे यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो, सारे को मूव करना है हमने, सारे को सिलेक्ट करें, मूव एम एंटर करें, एम एंटर, सारे को सिलेक्ट करें स्पेस और इसको जो मूव करेंगे आप, तो मूव करने के लिए आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे इसको टॉप पे क्लिक करें, मूव करने के लिए हमने इसको यहां से इसके मिड पॉइंट से हम इसको पकड़ेंगे, ये लें, इसको मिड पॉइंट से यहां से पकड़ें। ऐसे, हाँ, मिड पॉइंट से इसको मैं पकड़ता हूँ यहां से। मैं दोबारा इसको यहां से टॉप पे ले गया आता हूँ। ये लें, अब इसको सिलेक्ट करें यहां से, आप देखें, इसको सिलेक्ट करता हूँ मूव करने के लिए, थोड़ा सा इसको मूव करूँ, एम एंटर, यहां से इसका मिड पॉइंट जो है उसको आप सिलेक्ट करें, ये मिड पॉइंट आ गया और यहां पे इसके मिड पॉइंट में इसको लेके जाना है। ये आ गया, अब यहाँ पे देखें जरा, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट में, देखें जरा बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास मिड पॉइंट में। ओके, अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या करना है कि इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, टॉप व्यू में लेके जाए, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कस्टमर यहाँ पे जाके इसको टॉप व्यू में लेके जाए, ये लास्ट व्यू को ख़त्म करके इसे 2D वायर फ्रेम लिख जाएँ। ओके, अब यहाँ पे अपने एक लाइन ड्रॉ करें, एल इंटर, यहाँ से यहाँ तक 7.8 इसकी इसको देता हूँ, 7.8, 7.8 एंटर, यहाँ से टॉप पे आप इसके सेंटर से आपने टॉप पे एक लाइन लेनी है, एल इंटर, सेंटर मिड पॉइंट से मैंने लाइन ली और इसको लाइन को हम देते हैं यहाँ से 27.5
0.5 एंटर, एल एंटर, इस कॉर्नर से इसको यहां से जोड़ना है, यहां तक, और फिर एल एंटर, इस कॉर्नर को उसके इस पॉइंट से जोड़ना है। यहां से इसको डिलीट करता हूं, यहां से इसको भी डिलीट करता हूं, और सर्कल लेता हूं यहां पे, सी एंटर एंड पॉइंट वन, पॉइंट वन, फिर सी एंटर, यहां से इसको भी पॉइंट वन करता हूं, पॉइंट वन एंटर। स्वीप कमांड यूज करूंगा, एस डब्ल्यू डब्ल्यू पी स्वीप कमांड, इसको सिलेक्ट करें, स्पेस इसको यहां से स्वीप कर लें, इसको सिलेक्ट करें, स्पेस इसको यहां से स्वीप कर लें, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप रीजन, आप इन दोनों को सॉलिड यूनियन कर लें, सॉलिड यूनियन, यहां से इसको सिलेक्ट करें, सॉलिड यूनियन है, और इसको आप यूनियन कर लें। ओके, अब यहां से इसको कॉपी करें या मूव करें, एम एंटर, मिड पॉइंट से उठाएं और इसको यहां पे जो है तो मैं यहां से ना 2D वायर फ्रेम में लेके जाए, ये इलास्टिक में लेके जाता हूं ताकि क्लियर नजर आए हमको। कॉपी करें, सी पी एंटर, ये मूव करें, एम एंटर, यहां से इसको सिलेक्ट करें और इसे उठा के ना यहां पे, यहां पे इसको जोड़ दें। आप देखते हैं जरा, यस, देखिए जरा वापस ये सही एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा इसको मूव करें और एम एंटर, कंट्रोल जेड, मूव के लिए एम एंटर सिलेक्ट कर स्पेस इसको कोने में लेके जाता हूँ यहाँ से, ये लें जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ तक हमारे पास टायर जी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपने जो काम करना है वो क्या करना है कि आप यहाँ से इसको इसी व्यू में लेके जाएं और इसको यहाँ से आपने रोटेट करना है, ये ले आए, अब इसको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करें यहाँ से, स्पेस, और यहाँ पर जो ग्रीन है ग्रीन पर क्लिक करें और इसको रोटेट करें 90। ओके, 90 पे रोटेट करने के बाद आपने जो काम करना है वो क्या करना है जी, शो करके देखता हूँ ये कहाँ से आया, सही है। अब यहां पे हमने काम जो करना है वो क्या करना है कि आप यहां से मिरर कमांड आपने लेनी है, मिरर कमांड, तो मिरर कमांड के लिए आप क्या करेंगे जी, एम मेरे नहीं सॉरी एरे कमांड आपने लेनी है, एरे, एरे में पोलर एरे आपने लेना है, पोलर एरे कमांड लें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और इसको यहां से ये मिड पॉइंट इसका इसको यहां से आप एरे दे दें, देखें एरे आ गया, और एरे नंबर ऑफ एरे आपने यहां से देने जी 18 कर दें, 18 एरे आ गए जी, देखें तुम्हारे पास एक साइकिल का टायर कंप्लीट हो गया, देखें जरा, ओके, आप देख सकते हैं यहां पे मेरा साइकिल का टायर कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैंने एक काम जो किया था, मैंने एक यहां से आप देखें तो यहां से वो गायब हो गया, वो जो मैंने डिलीट किया था तो वो यही चीज थी, तो मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन आपने जब मैंने क्योंकि सिलेक्ट जब किया था, सिलेक्ट करते हुए मेरे पास ये एरिया मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए डिलीट हो गया था, तो आपने ये डिलीट नहीं करना, आपने इसे पूरे कंप्लीट आपने सिलेक्ट करना है, सही तरह से सिलेक्ट करना है ताकि ये डिलीट ना हो यहाँ से।
आपको फिर बता दूं कैसे आपने काम करना है। ये देखें ये वाला जो है इसको ये इस तरह हुआ है, जब मैंने इसको यहाँ से रोटेट किया था, 3D रोटेट किया था, रोटेट करते वक्त मेरे पास पूरा वो नहीं हुआ था ऑटोकैड यहाँ से, कि मसला हो। क्लोज होके चले, कोई बात नहीं। आपने बस यहाँ से इसको कंप्लीट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको रोटेट करना है, तो आपके पास इजीली ये काम करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।